दोस्तों नमस्कार। इन दिनों एक वेब सीरीज इंटरनेट पर बवाल मचा रही है। OTT प्लेटफॉर्म पे तो इस वेब सीरीज ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बोले तो ध्वस्त, तबाह, बर्बाद। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई स्क्विड गेम वेब सीरीज हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। जबरदस्त खून खराबा, बेहतरीन स्टोरी लाइन और जबरदस्त सस्पेंस, बोले तो नेक्स्ट लेवल। जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से अधिकतर लोगों ने यह वेब सीरीज जरूर देख ली होगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो, जाओ अभी देखो। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर आप इस वेब सीरीज के 9 के 9 एपिसोड देख सकते हैं। अच्छा सुनिए, इनाम में हमें टोटल रकम कितनी मिलेगी? चलिए अब बात उस टॉपिक की जिसको लेकर आपने वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि आखिर क्या है इन अलग अलग शेप वाले मास्क का राज और पूरी वेब सीरीज में क्यों है ये सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज तो देखी ही होगी, उसमें प्रोफेसर के आदमियों ने जो मास्क और ड्रेस पहना हुआ था वो दर्शकों को काफी पसंद आया। रेड कलर के जंप सूट्स और सलवाडोर डाली मास्क मनी हाइस्ट सीरीज का एक बहुत ही अच्छा प्रॉप था जिसने पूरे वेब सीरीज को एक अलग ही फ्लेवर दिया। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला हमें स्क्विड गेम में। यहाँ भी रेड कलर का जंप सूट पहने कुछ लोग, एक्चुअली कुछ लोग नहीं, पूरी की पूरी एक आर्मी रहती है। इनके सूट्स तो सेम होते हैं लेकिन मास्क अलग अलग होते हैं। किसी के मास्क पर स्क्वायर बना होता है तो किसी के ट्रायंगल और सर्कल। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इन अलग अलग मास्क पहनने का क्या मतलब है। तो दोस्तों पूरी वेब सीरीज में कुछ लोगों को एक गेम खिलाया जाता है जिसके 6 अलग अलग लेवल होते हैं। इन 6 लेवल को जिसने पार कर लिया वो जीत जाएगा ढेर सारे पैसे। अब इन लोगों को कायदे कानून के साथ गेम खिलाने की जिम्मेदारी होती है इन भाई साहब की। अब ये कौन है यह एंड में बताऊंगा, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो इस गेम को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवाने और जो गेम में हार गए उन्हें एलिमिनेट करने, गेम खेलने वाले प्लेयर्स को खाना देने के साथ साथ और भी जो काम होते हैं उनके लिए इस रेड आर्मी को तैनात किया जाता है। सर्कल मास्क वाले सोल्जर का काम होता है प्लेयर्स को खाना देना, उन पर नज़र रखना और गेम खेलने की जगहों तक प्लेयर्स को ले जाना। इनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं होता है। अब बारी आती है ट्रायंगल शेप के मास्क पहने सोल्जर की। तो बेसिकली इनके पास AK-47 होती है और इनका काम रहता है जो भी प्लेयर रूल्स फॉलो ना करे उनसे रूल फॉलो करवाना और ज़रूरत पड़ने पर प्लेयर्स को मार देना, यानी कि ख़त्म कर देना, या फिर गेम में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को ज़िंदगी से ही एलिमिनेट कर देना। और इन दोनों मुखौटे यानी कि सर्कल और ट्रायंगल को ऑर्डर या यूं कहे इनका बॉस होता है स्क्वायर शेप का मास्क पहने हुए सोल्जर। इनके पास भी गन रहती है और केवल इन्हें ही बात करने की इजाज़त रहती है, यानी कि सिर्फ ये शेप वाले मास्क पहने हुए लोग, सोल्जर ही, और किसी से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यह प्लेयर्स को गेम के रूल्स बताते हैं, साथ ही किस सोल्जर की क्या ड्यूटी रहेगी और कौन क्या करेगा ये सब डिसाइड करते हैं। चलिए अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरी वेब सीरीज में एक कैरेक्टर जिसका ड्रेसअप भी थोड़ा अलग रहता है और ऐसा लगता है कि यही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है, तो इस शख्स का नाम रहता है फ्रंटमैन, जो पूरे गेम को एग्जीक्यूट करता है और किस गेम में क्या डिफ़िकल्टीज होनी चाहिए सब कुछ यही तय करता है। लेकिन क्या वाकई यही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है या फिर कोई और है जो बिना मास्क पहने ही पूरे खेल को चुपचाप बिना किसी की नज़रों में आए खेल रहा है, चल रहा है, बिना किसी की नज़रों में आए चला रहा है। यह सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।